कहते हैं कि जब शब्द असफल हो जाते हैं तब संगीत बोलता है। संगीत ईश्वर की देन है और पैगंबरों की कला है। चाहे हम कोई सा भी संगीत सुनते हों, लेकिन जो संगीत है उसकी नींव, उसकी रूट्स, उसकी जड़ें हैं क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि शास्त्रीय संगीत। तो आज मैं आप पहुंची हूं जालंधर के रेड क्रॉस भवन में, जहां पर क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है श्री अरुण कपूर जी की बरसी पर। और इस म्यूजिक कॉन्सर्ट का हिस्सा बहुत से दिग्गज कलाकार होने वाले हैं। तो चलो आओ, लेकर चलती हूँ आपको इस म्यूजिक कॉन्सर्ट पर, और आप भी मेरे साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलो आओ चलते हैं। आज का प्रोग्राम आप जैसे सब जानते ही हैं कि अरुण जी की परसी है। फर्स्ट एक साल हो गया उनको हमें उनसे बिछड़े हुए, और याद उनकी हमेशा रहती है दिल में। उनकी बहुत सी कही हुई बातें याद रहती हैं, उनकी बताई हुई चीज़ें याद रहती हैं। और हरिवल्लभ में मेरा उनके साथ इतना पुराना साथ है, जैसे कि हम दोनों प्रोग्राम शुरू होना तो हम दोनों को एक्साइटमेंट होती थी
कि आज हमने सेट करना, भाई साहब आ जाइए। हाँ, तो वो इतने एक्साइटमेंट में हम लोग बैठ के काम करते थे। आई मिस्ड हिम दिस ईयर व्हेन आई वाज सेटिंग द प्रोग्राम एंड आई ओनली विश दैट ही एंजॉयज दिस प्रोग्राम वेयर एवर ही इज। यही मेरी उम्मीद है और आशा है। आज दी संगीत में शाम साढ़े दिलों को सुकून देने लिया, क्योंकि अज अरुण कपूर जी की एक साल हो गया, अज उन्होंने बरसी है। तो असी सोचा कि परिवार वालों बाकी साथियों वालों कि इस महान संगीत प्रेमी को जी श्रद्धांजलि आ वो किवें दिती जा सकती है। सानू लग्या कि जिन्ना प्यार उन्होंने संगीत नाल, संगीतकारा नाल ते संगीत समागम नाल सी, जे आप उस तरह एक संगीत समागम रचा के उन्होंने श्रद्धांजलि दें। सो अज एक साल हो गया अरुण कपूर जी नूं साढ़े तो शरीरक तौर पर दूर गया, क्योंकि मानसिक तौर पर, दिली तौर पर, विचारधारक तौर पर, जज्बातों के तौर पर वो साढ़े अंदर ने और हमेशा हमेशा तक रहेंगे। सो अज की इस शाम च बहुत वड्डे फनकार भारत रत्न पंडित भीम सेन जोशी जी के सपुत्र पंडित श्रीनिवास जोशी वो आए ने, उन्हों तो पहला समर सैन जे सितार वादक ने, उन्होंने तो पहला साढ़े पंजाब दियाँ खास तौर पर जलंधर दियाँ बहुत प्यारिया बच्चिया आशुप्रीत, पूजा प्रीत, अनुप्रीत और शहर दियाँ सारिया मौजूद शख्सियत संगीत प्रेमी सारे आए ने। सो ये साढ़े दिलों में एक ढारस है, एक सुकून है कि असी संगीत सुन के उही राग, उही गीत, उही बंदिशा वो सुन रहे हैं जिड़ियाँ वो सुनते सर।